हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिटिकल टेक चैनल। और आज हम देखेंगे लेबोरेटरी का वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एनालिटिकल वेग बैलेंस। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप फ्रंट में देख रहे हैं डेनवर का एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, और इसकी मेजरिंग कैपेसिटी है वो 0.1 mg से लेके 310 ग्राम तक ये मेजर कर सकता है, और डेसिमल के 4 डिजिट तक ये मेजर कर सकता है। अब आप इतना आइडिया लगा सकते हैं कितना एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट देगा जो डेसिमल के 4 डिजिट तक मेजर करेगा। और इसलिए इनकी कॉस्ट काफ़ी हाई चली जाती है, और इनकी कॉस्ट 1 लाख से लेकर 2 लाख तक वेरी करती है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम सिंपल बैलेंस से इनकी कंपेयर करें डिजिटल बैलेंस से, उनकी कॉस्ट 10 से लेकर 25,000 में परचेस कर लेते हैं, बट वो डेसिमल के 4 डिजिट तक नहीं होते, ओनली 1 डिजिट तक। ओके, अगर हम मेजर करते हैं, जैसे कि आप सामने पिन देख रहे हैं, ये 1 ग्राम के आसपास होगा, तो हम इजीली इस पर मेजर कर सकते हैं, क्योंकि विद इन रेंज है, इंस्ट्रूमेंट की रेंज के अंडर आ रहा है, तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। सपोज ये टमाटो सूप है और इसकी रेंज 305 ग्राम है, तो हम इसको भी इजीली वेइंग कर सकते हैं, बट इससे अगर ज़्यादा होगा तो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा एंड प्रिसाइज नहीं होगा, और आफ्टर सम टाइम इट शोज सम एरर। ओके फ्रेंड्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, सिलेक्टिंग वर्क प्लेस सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर आपको अपना इंस्ट्रूमेंट प्लेस करना है, तो वो हार्ड सरफेस होना चाहिए। आप कभी किसी टेबल पे नहीं रखिए यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही हो, यहाँ पे मूवमेंट हो। ओके फ्रेंड्स, हमको इन 3 बातों का ध्यान रखना है, हार्ड सरफेस होना चाहिए, और एयर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हमने जहाँ पे रखा हुआ है वो स्टेबल होना चाहिए, कहीं वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। पॉइंट ये भी हमको ध्यान रखना है कि इंस्ट्रूमेंट हमारा डोर से दूर होना चाहिए, क्योंकि डोर जितना ओपन क्लोज होगा एयर का फ्लो होगा और मूवमेंट होगा, जिससे हमारा वैल्यू स्टेबल नहीं होगा, फ्लक्चुएट करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपको फ़ैन के ऊपर अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं रखना है, फ़ैन क्लोज कर देना है और एसी ऑफ कर देना है, और जैसे एएचयू यूनिट ऊपर लगी रहती हैं तो वहाँ का ओपन चलना नहीं चाहिए, उसके लिए अलग चैम्बर बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर इन पर हम फोकस करेंगे तो हमारी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होंगी। अब आते हैं एडजस्ट एयर बबल इन ए सेंटर, तो एक व्हील्स होते हैं जिससे हम एयर बबल को सेंटर में एडजस्ट करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, उनको रोटेट करके उसको हम सेंटर में ले आते हैं, जिससे क्या होता है गिफ्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में आ जाती है, और वेइंग बैलेंस इजीली स्टेबल हो जाता है और वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्रेंड्स, तो ये आपको जब भी वेइंग बैलेंस करना है तो एयर बबल जरूर चेक करना है, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हमने इंस्ट्रूमेंट ऑन किया है, उस थोड़ी देर उसको वार्म अप होने देते हैं, और हमको मेजर करना है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या प्रोसीजर है वेइंग का, वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमको यूज़ करना है बटर पेपर का, हमको फिल्टर पेपर यूज़ नहीं करना है, बटर पेपर पे हमारा केमिकल कंपाउंड स्टिक नहीं होता है तो इजीली वो रिमूव हो जाता है, और हमको बटर पेपर के इस तरीके से स्क्वायर कट करके स्मॉल पेपर पीसेस बना लेने हैं। और सपोज़ हमको 1.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट वेइंग करना है, तो उसके लिए थोड़ा स्मॉल पेपर बनाइए, थोड़ा ज़्यादा बड़ा मत बनाइए, उससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और टेयर करने में भी दिक्कत होती है। तो हमने सबसे पहले पेपर रखा, फिर हमने इसको टेयर कर दिया, तो पेपर का जो वेट था वो भी 0 हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेइंग बैलेंस को किस तरीके से टेयर करना है। ओके, अब हम वो होते हैं किस तरीके से हमको वेइंग करना है। हम सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं 1.5 ग्राम, तो पहले हमको थोड़ा ज़्यादा डालना है और फिर स्लोली ऐड करना है, हमको अपना केमिकल वेस्ट भी नहीं करना है। और उसके बाद हमको सेंटर में डाल के स्पैचुला का यूज़ करके, और ये डोर जरूर क्लोज कर देना है जो एयर मूवमेंट है उसके अंदर ना जाए, और ये वैल्यू 1.5026 जो एक्सेप्टेबल है, और 1.506 जैसे आप देख रहे हैं डेसिमल के 4 डिजिट तक हमने मेजर कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, अगर हमको कुछ ज़्यादा वेग करना है तो हम वेइंग बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, वेइंग बोर्ड का यूज़ हम जब ही करेंगे अगर हमको ज़्यादा अमाउंट वेग करना है केमिकल कंपाउंड का, तो हम बटर पेपर की जगह वेइंग बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज हमको ट्रिस बेस मेजर करना है, हमारा एम है 12.19 ग्राम मेजर करना है, तो सबसे पहले हम वेइंग बोर्ड को टेयर कर लेंगे, देन हम स्लोली ऐड करेंगे, तो प्लस माइनस 0.02 ग्राम आएगा जो एक्सेप्टेबल है। तो आप देख सकते हैं कितना एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट मेजर कर रहा है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं लास्ट सेगमेंट पे, क्लीनिंग प्रोसीजर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेइंग बैलेंस का। सबसे पहले हमको अपना स्विच ऑफ करना है, देन हमको क्लीनिंग ब्रश से जो केमिकल पड़ा रहता है उसको क्लीन करना है, और ये आप देख रहे हैं कि सेंटर से ये जो प्लेट होती है वो रिमूव हो जाती है ईजिली। बट मेरा ये बोलना है कि आप मैनुअल जरूर पढ़िए हर इंस्ट्रूमेंट का, उसमें क्लीनिंग प्रोसीजर लिखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही
यूज कीजिए। और आपके पास एक ऑप्शन ये है, आप सर्विस इंजीनियर को कॉल कीजिए, वो खुद आएंगे और ये खुद क्लीन करेंगे, जिससे आपका कैलिब्रेशन डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि कैलिब्रेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर आप एक्सपर्टाइज हैं तो आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, वो इजीली क्लीन हो जाएगा। बट जो स्टूडेंट्स हैं वो ना करें, अपने हेड और टीचर के गाइडेंस में ही करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट एनिटिकल इंस्ट्रूमेंट की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे तमाम मैंने इंस्ट्रूमेंट्स की वीडियोस बना रखे हैं जो बहुत ही आपको यूजफुल होंगी और आपका नॉलेज को एनहांस करेंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please don't forget to subscribe the channel and have a nice day.